शोषण का पहिया, दुष्टों से लड़ने को एक हो जब भैया, जाम करो मिल कर के शोषण का पहिया, दुष्टों से लड़ने को एक हो जब भैया, हमरे ही कमाई से बने कारखाने, हमको ही मिलता नहीं पेट भरे दाने, खाने को रोटी नहीं, खाने को रोटी नहीं देंगे कन्हैया, दुष्टों से लड़ने को एक हो जब भैया, हमसे ना कम होगी दुष्टों की दूरी, खून चूस चूस कर देते हैं मजूरी, अपने ही नैया के हम हैं खिवैया, दुष्टों से लड़ने को एक हो जब भैया। तो साथियों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ। ये गाना मैं इसलिए गा रही हूँ और ये मेरा गाना समर्पित है मजदूरों के लिए। आज 1 मई है और आज के दिन मजदूर दिवस पूरे देश में मनाया जाता है और मैं इस समय मजदूरों को बधाइयाँ तो देना चाहती हूँ, लेकिन कई बार मेरा दिल का चोटता है कि बधाई बस देने से क्या होगा। जिस तरह का वक्त चल रहा है, पूरा देश लॉकडाउन में है, कोरोना महामारी वायरस की वजह से जितनी यातनाएं हमारे मजदूर वर्ग ने झेली है और जिस तरह से वो जो जहां वहां पर फंसे हैं, जिस तरह से पैदल चल करके आए हैं, उनकी यातनाओं को, पीड़ा को हमने बहुत नज़दीकी से देखा है, रिपोर्टिंग किया है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे मजदूरों को सलाम करती हूं और मैं बधाई दे रही हूं, क्योंकि ये हमारा मजदूर वर्ग ही है जो इस देश को खड़ा कर किया है। आज हमारा देश विशेष परिस्थितियों से जूझ रहा है, कोरोना महामारी की वजह से जिस तरह से पूरा देश लॉकडाउन है, जो जहां पर है वहीं पर फंसा हुआ है, इसका सबसे बुरा असर मजदूर वर्ग को झेलना पड़ रहा है। मेरे बुंदेलखंड के जो मजदूर वर्ग हैं वो ज़्यादातर मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली में फंसे हुए हैं। जो जिस कंपनियों में काम कर रहे थे, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, कंपनियों और फैक्ट्रियों के मालिकों ने मजदूरों को निकाल फेंका। जो मजदूरों ने अपनी दिहाड़ी की थी, जो उनके कंपनी या फैक्ट्री के या ठेकेदारों के पास में जो पैसा भी पड़ा था, वो पैसा भी मजदूरों को नहीं दिया गया, बस सिर्फ कंपनी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। 1-2 दिन 3 दिन तो मजदूरों ने किसी तरह से अपना पेट भर लिया, लेकिन जब लगातार ये समस्याएं लॉकडाउन की बढ़ती गई तो मजदूर अंदर घबराने लगे। उनको लगा कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, अगर खाने के लिए नहीं होगा तो इंसान ज़िंदा कैसे रह सकता है। बहुत सारे मजदूर हैं जो दिल्ली से, मुंबई से और बाकी राज्यों से, महाराष्ट्र से, उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया अपने गांव की तरफ। जब झुंड के झुंड मजदूर पैदल आ रहे थे, सड़कों पर थे, किसी को पता नहीं था कि किधर से जाएं, रास्ता कहाँ से पैदल की कहाँ की नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाते गए। उनको रास्ते में भी बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, पुलिस की यातनाएं झेलनी पड़ी, जो लोगों की यातनाएं झेलनी पड़ी, उनको मार खाना पड़ा, उनके डंडे पड़े, खाना नहीं उनको दिया गया, कई कई दिन तक भूखे प्यासे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जवान चलते रहे। साथियों, किसी तरह से वो मजदूर अपने गाँव तक पहुँच गए हैं। जो पहुँच गए हैं वो तो ठीक है, किसी तरह से चाहे नमक रोटी खा रहे हों, चाहे परिवार के साथ में भूखे लेटे हों, लेकिन जो मजदूर अभी भी फंसा है, सबसे बुरे हालात उनके हो रहे हैं। लॉकडाउन के 3rd-4th दिन से मेरे पास मजदूरों के फ़ोन आना शुरू हो गए। फ़ोन दिल्ली से आ रहे, महाराष्ट्र से, मुंबई से, गुजरात से, राजस्थान से, चारों तरफ से फ़ोन आए। मजदूरों ने सिर्फ 2 ही बात बोली, बोले कि मैडम जी,
हमें यहाँ से निकलवा ले जाइए, किसी तरह से हमारी इतनी मदद कर दीजिए कि आप हमें यहाँ से हमारे गांव तक पहुँचा दीजिए, और अगर नहीं पहुँचा सकते हैं तो आप हमें खाना भिजवा दीजिए, खाना दे दीजिए, क्योंकि हम भूखों मर रहे हैं, अब हमारी भूख सहन नहीं हो रही है। मालिक हमें पैसा नहीं दिया है, हमें बाहर निकाल दिया है, जिन मकानों में रह रहे हैं वहाँ के मकान मालिक भी निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे हमको अगर आप किराया नहीं दोगे तो हम रखेंगे नहीं। साथियों, इन मजदूरों की पीड़ा आप सहन नहीं होती है। मैंने मजदूरों से कहा कि आने के लिए तो हम नहीं बोल सकते, सरकार का फैसला है, लेकिन हम आपको खाने का इंतजाम ज़रूर कराएंगे। जिन जिन मजदूरों के फ़ोन आए, लगभग हजारों मजदूरों के फ़ोन आए साथियों, और हमने जो जहां पर है वहां हम उनको खाने की व्यवस्था करके उनको भेजे। आज भी फ़ोन आ रहे हैं, मजदूर फड़फड़ा रहा है। बस ये मैं कहना चाहती हूँ, मजदूर दिवस को बना दिया गया, लेकिन मजदूर दिवस बनाने बस से क्या होता, घोषणा बस करने से क्या होता, किताबों में लिखने बस से क्या होता है, जबकि ऐसे वक्त में मजदूरों की समस्या हमेशा से रही है, लेकिन इस समय जिस तरह से मजदूरों की समस्याएं सच्चाई सामने खुल करके आई है, वो सब आपके सामने खुली किताब की तरह है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, सरकार से मेरी अपील है कि जो मजदूर जहाँ पर फंसे हैं, सरकार उनकी व्यवस्था करे उनके गांव तक छोड़ने के लिए, और जब तक लॉकडाउन है तब तक उनको खाने पीने की व्यवस्था करे। जो मजदूर पैदल चल करके अपने गांव तक आए और रास्ते में और अपने गांव तक पहुंचने में इतनी यातनाएं झेली, उनको क्वारंटाइन में रखा गया, वहां पर कितनी यातनाएं झेली, भूख प्यास झेली, और जब अपने गांव गए और वहां पर सबसे मिले, हमने रिपोर्टिंग किया और हमने उनकी यातनाओं को देखा, हमने उनको दर्द को देखा, उनके पैर के छालों को देखा। मुझे लग रहा था कि ये जो हमारा मजदूर वर्ग है, इतना पीड़ा झेल चुका, इतनी यातनाएं झेल चुका, इतनी हिंसा झेल चुका इस मुसीबत की घड़ी में, तो हो सकता है, मैं ऐसे सोच रही थी कि शायद मजदूर वर्ग अब पलायन नहीं करेगा, अब ये लोग वापस दिल्ली, पंजाब, मुंबई या गुजरात, ये लोग फैक्ट्रियों में या मालिकों के यहाँ कंपनियों में काम करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि जब कोई हमें सताता तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठता, दिल दर्द करता है। तो मैं सोची कि चलो मजदूरों से जानते हैं और उनकी हम स्टोरी करते हैं। साथियों, हम पहुँचे इन मजदूरों के पास, इनके दिल की बात को जानने के लिए, लेकिन जब हमने मजदूरों से बातचीत करना शुरू किया तो बात एकदम उल्टा निकली। हम गलत सोच रहे थे, जिस तरह से मेरे मन में ये बातें चल रही थी। जब हमारे रिपोर्टर मजदूरों से मिले और उनसे सवाल किए कि क्या आप दोबारा से पलायन करना चाहते हैं, क्या आप उन्हीं जगहों में काम करने जाएंगे या आप नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सोच हमारे दिमाग में थी कि अगर मजदूर वर्ग आ गया, अपने गांव में खेती किसानी करेगा, जो थोड़ी बहुत जिनके पास में ज़मीन है, और या तो अपने गांव घर में जो काम बूत होगा वो मतलब अपना खाएंगे कमाएंगे उसी से, और अब इस तरह की यातना झेलने क्यों जाएंगे। मजदूर वर्ग एकदम से पलट के ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते तो हैं कि हम ना जाएं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमें दोबारा से पलायन करना पड़ेगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम दोबारा से उन्हीं फैक्ट्रियों में, उन्हीं कंपनियों में काम करने के लिए जाएंगे। इसका कारण ये है कि हमारे बुंदेलखंड में कोई ऐसा रोजगार तो नहीं है कि हम अपना खुद का पेट या अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं, ना हमारे पास में इतनी ज़्यादा खेती है, जो खेती बीघा दुबीघा है भी मजदूर वर्ग के पास, उसमें से फसल नहीं उगा सकते, क्योंकि जिस तरह का अकाल साल बाई साल अपने बुंदेलखंड में पड़ता है, सूखा ग्रस्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, हमारे बुंदेलखंड में ना तो कोई इतनी बड़ी फैक्ट्रियां ना कंपनियां हैं कि वहां पर जा कर के हम काम करें, इसलिए हमारा वापस पलायन करना हमारी मजबूरी होगी। क्योंकि अभी का उन्होंने उदाहरण बताया कि इस लॉकडाउन में हम घर में बैठे बैठे खा रहे हैं, उसका कर्ज हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है, हमारे बच्चे भी, हम भी, हम वहाँ से भी चले आए, चाहे हम अगर दिल्ली मुंबई में जहाँ फंसे हैं वहाँ पर भी अगर हम एक दूसरे से ले ले करके खा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें यही कर्जा भरना होगा। ये बात को सुनकर के रोंगटे खड़े हो गए, दिल कांप गया कि सच में
कितनी मजबूरी है मजदूर वर्ग के पास में। और मैं ये भी सोच रही थी कि इन मजदूरों की तकलीफ को देख करके कंपनी मालिक, फैक्ट्री मालिक और सरकार का क्या एक भी रोमा नहीं पसीजता है। जिस तरह की यातनाएं इस लॉकडाउन में मजदूरों ने झेला और उनके इंटरव्यू के टाइम में जो उनकी आवाज़ें थीं, जो उनके बातचीत करने का तरीका था, उनके आंखों से साफ आंसू झलकते देखे गए हैं, उनकी आवाज़ भारी थी इंटरव्यू देने के समय। तो ये स्थिति है साथियों अपने देश की। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये ज़मीनी हकीकत है। क्या अपना देश इसी तरह बदल रहा है? क्या अपना देश ऐसे में ही तरक्की कर रहा है? बहुत अच्छा ये मौका आया, लॉकडाउन आया, कोरोना वायरस आया, जहाँ पर सरकार की, बड़े लोगों की, अमीर लोगों की, कंपनियों की, ठेकेदारों की, फैक्ट्री मालिकों की कम से कम एक एक पोल तो सामने खुल कर के आ गई। कहते हैं ना कि जो पारदर्शी है, पारदर्शिता साफ सुथरी दिखाई दे गई है। अब यही है कि ये भेदभाव अभी भी सामने है, अमीरी गरीबी का, मजदूर वर्ग के पास नहीं है खाने के लिए। वो ना चाहते हुए भी उन मालिकों के, उन ठेकेदारों के, उन धन्ना सेठों के पास में जाएंगे और मजदूरी करेंगे तो उनका सीना तो और फिर चौड़ा हो जाएगा। तो हमारे बुंदेलखंड में दो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। पहली फैक्ट्री है जो बुंदेलखंड के बांदा जिला में कताई मिल है, और जो दूसरी फैक्ट्री है चित्रकूट जिले में ग्लास फैक्ट्री। ये दोनों फैक्ट्रियां कई सालों से बंद पड़ी हैं। अब इन फैक्ट्रियों में मूर्छा जम गया है। हमारे देहाती भाषा में बोलते हैं कि जब कोई चीज़ बंद पड़ी रहती है तो वह जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है। तो ये स्थिति इन फैक्ट्रियों की हो गई है। एक ज़माना था जब ये दोनों फैक्ट्रियां जब चलती थी तो बुंदेलखंड के मज़दूर खुशहाली की ज़िंदगी जीते थे। इन फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनके बच्चों का जीवन अच्छे से गुजरता था, जो भी कमा के लाते थे वो अच्छे से खाते थे, मुसीबतें इस तरह की नहीं थी। लेकिन जब से फैक्ट्रियां बंद हैं और बुंदेलखंड में अकाल पड़ना शुरू हो गया, पलायन होना शुरू हो गया और हर दिन की समस्या इतनी ज़्यादा मजदूर वर्ग की बढ़ने लगी। हालांकि अगर इन फैक्ट्रियों की मैं बात करूं तो ये फैक्ट्रियां आज तक चालू नहीं कराई गई। कितने चुनाव निकल गए, कितने सांसद विधायक जीते और चले गए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये चालू भी क्यों होंगे? अगर ये फैक्ट्रियों को चालू करा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी बुंदेलखंड में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, नेता मंत्री हैं, वो वोट मांगने के लिए मजदूरों के पास में, जनता के पास में जाते हैं और छाती ठोंक ठोंक करके बोलते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमें जिता दीजिए और हम आपके इलाके की इन फैक्ट्रियों को चालू करवा देंगे, जीतते ही हम इनमें काम शुरू करवा देंगे। लेकिन जब ये नेता मंत्री जीत जाते हैं, सांसद विधायक जीत जाते हैं, तो मजाल है कि कोई भी मजदूर वर्ग इनकी चौखट पर चढ़ जाए या इनके सामने चूं तक भी बोल दे। तो ये अपने यहाँ की स्थिति है। अगर, और ये भी बात है कि अगर मैं बात करूँ बांदा के कताई मिल की, चूँकि यहाँ की और ग्लास फैक्ट्री की भी हमने बहुत नज़दीकी से, गहराई से रिपोर्टिंग किया है, कई बार रिपोर्टिंग किया है, यहाँ के मजदूरों की मजदूरी अभी भी बकाया है, लेकिन सरकार उनकी मजदूरी नहीं दे पाई है। काम तो दी ही नहीं है, लेकिन जो पैसा पड़ा है वो भी नहीं दी है। और लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं कि अगर ये फैक्ट्री चालू हो जाए तो जिस तरह से बुंदेलखंड का मजदूर वर्ग पलायन कर रहा है, वो पलायन उनका रुक जाएगा, अपने इलाके में ही रह करके मजदूरी करेंगे और उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर बन सकती है। लेकिन ये नहीं हो रहा है। सांसद विधायक चाहते भी नहीं हैं, चाहेंगे तो उनका चुनावी मुद्दा, जो चुनावी रोटियां जो सेंकी जाती हैं वो ख़त्म हो जाएगा, फिर किस पर बात करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो खैर, अगर मैं यहीं पर बात करूं
मनरेगा की, क्योंकि सरकार ने मनरेगा की शुरुआत करी थी कि अगर हर गांव में हर हाथ को काम मिलेगा, काम के बदले दाम मिलेगा, तो लोग अपने गांव में ही मजदूरी करेंगे और वहीं पर रहेंगे। लेकिन उसकी मजदूरी कितनी है, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से परिवार है, मनरेगा के पैसे में इतने में लोग अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इतना काम ही नहीं लगता है, अगर 6 महीना साल भर में काम लग गया तो गिने चुने मजदूरों को प्रधान काम देता है, फिर उनकी जो मजदूरी होती है उसके लिए सालों सालों भटकना पड़ता है, उनको मजदूरी ही नहीं मिलती। इस लॉकडाउन के टाइम में भी हमने ऐसी रिपोर्टिंग की है कि 3-3 साल की मनरेगा की मजदूरी पड़ी है लेकिन आज तक मिली नहीं है। खैर, कई गांव हैं जहां पर मनरेगा को लेकर के काम शुरू हो गया है और मजदूर वर्ग से दोबारा काम ले रहे हैं गांव के प्रधान। अब आगे देखना यही है कि उनकी पूरी मजदूरी मिलती है या अभी भी उसमें धांधली होगी। तो बहुत लंबी चर्चा है मजदूरों को लेकर के, काम को लेकर के। मैंने दोनों फैक्ट्रियों की बात की है, बुंदेलखंड की, और मैं चाहती हूँ कि अगर नेता, मंत्री, विधायक, सरकार, प्रशासन, आप लोग अगर चाह लें तो दोनों फैक्ट्रियाँ चालू हो सकती हैं और लोगों को रोज़गार मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी था कि आज मजदूर दिवस के दिन मैं उनके विशेष मुद्दे पर बात करूं। तो साथियों, कैसे लगा ये वाला शो और इस बार के मुद्दे की चर्चा, आप ज़रूर से मुझे लिख करके बताइए। अपने सुझाव और कमेंट मुझे ज़रूर से भेजते रहिए। खबर लहरिया चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। आप मेरा शो khabarlahriya.org, ये हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा है, यूट्यूब में वो देख सकते हैं, और फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आप खबर लहरिया को फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों, जाते जाते मैं फिर से बस इतना ही कहूँगी कि लॉकडाउन चल रहा है, आप सब लोग अपना ध्यान रखें, आप सुरक्षित रहें, बिना काम के घर से बाहर ना जाएं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मुंह में साफ ही बांध कर या मास्क लगा कर ही जाएं। वहाँ से आएं तो अपने हाथों को अच्छे से धो लें। दिन में जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं या कोई चीज़ को छूते हैं तो साबुन से या सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ करते रहें। तो साथियों, मैं अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।